आज हमें राजा आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। आपको बताने वाले हैं कि ITBP का जो है ITBP जो ट्रेडमैन का जो एग्जाम बचा हुआ था उसका एग्जाम लेना शुरू कर दिया गया है। बहुतों को नहीं पता है और बहुत को पता भी है। चलिए आपको कुछ हम दिखाते हैं पहले, और उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से डाउनलोड करना है। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए भी, और बहुत सारा का एग्जाम भी है, मैं वो तो डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस तरह से इनका डाउनलोड किया जाता है और कैसे क्या, अगर आप भूल भी गए तो किस तरह से पता करना है, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। चलिए जानते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए, एक इस तरह का अगर आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर आपको इस तरह का मेल आता है, जहाँ पे देखिए ये लिखा होता है, डियर कैंडिडेट, एज यू आर शॉर्टलिस्टेड टू अपेयर इन रिटर्न टेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसा कि यहाँ पे आर कटा हुआ है, तो द और टू द पोस्ट, ऐसा कुछ तरह का आता है, पूरा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको उतना कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज आप बता दूँ कि इसके अंदर आपका जो है डेट भी लिखा होता है कि किस तरह आपका किस दिन आपका एग्जाम है, वो भी डेट इसमें अंदर लिखा आता है। तो इस तरह से एक चीज और होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर सिटी क्या एनिमल, यानी कि जो है एनिमल एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी जो हो रहा था उसका, और रिक्वायरमेंट इन द ITBP, तो इसका जो है रिटर्न एग्जाम हो रहा है। आप किस तरह से आपको डाउनलोड करना है मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। डाउनलोड क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। देखिए इसका जो लिंक है ना, कि आपको सरकारी रिजल्ट सरकारी एग्जाम फास्ट जो है किसी जगह नहीं मिलेगा, ना कोई अभी तक अपडेट दिया गया है। सिर्फ जो लड़के लोग मेल यूज कर रहे हैं उसी को सिर्फ मेल आया, तो अपना मेल देख लीजिए। अगर आपने ट्रेडमैन का ITBP ट्रेडमैन का फॉर्म भरा था, अगर आप फिजिकल फिट हो चुके हैं और ट्रेड फिट हो चुके हैं, तो आपको रिटर्न के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको लॉग इन करके अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। रिटर्न देने के लिए आपको ITBP लिख लेना है, जो भी होता है ITBP मैंने टाइप कर लिया। ITBP लिखने के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, एडमिट कार्ड लिख दीजिए, लिखने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ जो है एप्लीकेशन प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए, आपको इस तरह इस जो ये जो इंटरफेस है यहाँ लेके आ जाता है। इसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी पूर्वक जाके इसको यहाँ आ सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर जो ईमेल आईडी है वो डालना है, और जिस समय आपने फॉर्म भरा होगा वो आपको डालना है। अगर इस दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ पे कि सारा चीज़ ऑप्शन दे रखा है, फॉरगेट का, रीसेट का और रजिस्टर का। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो अक्सर बना चुका हूँ इससे पहले, तो जाके आप सर मेरे प्रोफाइल में खोज लीजिएगा, मे भी आपको मिल जाए, और नहीं मिलता है तो मैं उसका लिंक भी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए आपका कहते हैं आपको लॉगिन करके दिखाते हैं किस तरह से आपको जो है यहाँ पे किस तरह से अपना एडमिट कार्ड दिखाएगा और किस तरह से डाउनलोड करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा डाल के आप लॉग इन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉग इन पर जैसे क्लिक करते हैं तो मेरा ये जो है इंटरफेस लॉग इन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ऊपर पे लिखा हुआ आ रहा है प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, डाउनलोड यहाँ पे, और देखिए क्या करना है आपको उस पर नॉर्मली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, कौन कांस्टेबल लिखा, ट्रेड में लिखा, वाटर कैरियर जनरल, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर नॉर्मली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखा दिया जाएगा, जहां जब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए आपका PET यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिजल्ट में, क्वालिफाइड क्वालिफाइड, यहाँ पे PST क्वालिफाइड है, और आप ट्रेड टेस्ट में भी क्वालिफाई आ चुके हैं, जिसमें कि आपको क्या कैसे क्या मिला है नंबर, यहाँ सारा कुछ मिनिमम दिया हुआ है, जिसमें कि मिनिमम आपको 40 नंबर लाना होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट, देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए आपका फोटो आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, और उसके बाद आपका ट्रेड जो है वाटर कैरियर जैसा कि जो भी आपका ट्रेड होगा वो आ जाएगा, बाद बाकी आपका जो जहाँ पे एड्रेस देता है वो एड्रेस यहाँ पे शो कर रहेगा, और डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम भी आपका यहाँ पे शो करता है, और क्या किस टाइप का टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है आपको पता ही है, तो ये शो करता है। दोस्तों आप इस तरह से जो है फाइनली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आता है इस वीडियो इसको डाउनलोड करने में तो आप मुझको कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा किस तरह से क्या करना है। अदरवाइज आपके लिए यही न्यूज़ था कि मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। बहुतों को नहीं पता है ITBP ट्रेडमैन का जो है एडमिट कार्ड आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देख के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।